खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए शुरू किए जाएंगे ट्रेनिंग कैंप। इस वक्त महबूब पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की और उस तरह के कुछ ट्रेनिंग कैंप शुरू करने की एक आपने प्लानिंग करी है। सर, क्या ये ट्रेनिंग कैंप है, किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे? पहले जो आपका सवाल है मैं उसे करेक्ट करना चाहूँगा। मैंने किसी मुस्लिम धर्मगुरु के साथ किसी भी धर्मगुरु के साथ कोई मीटिंग नहीं की है इस बारे में। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि हमारे देश के संविधान में और उसके कानूनों में, जो कि बाबा साहब द्वारा निर्मित है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा, उसमें इतनी ताकत है कि जब सरकारें फेल हो जाएं, सरकारें कमज़ोरों का की जान और माल की रक्षा करने में समर्थ हो जाएं, तब भी हमारे देश के जो संविधान है उसमें इतनी ताकत है, हमारे देश के कानूनों में इतनी ताकत है कि आम नागरिक भी कानूनी तरीके से अपनी जान की रक्षा करने के लिए हक रखता है। ये हमारे देश का कानून और न्याय व्यवस्था की ही एक अंग है। तो मैंने ये अपील की थी और ये कहा था कि जो भी मैंने सभी धार्मिक नेताओं से, तो सबसे बाद में सबसे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि एक आरएसएस की सोच के खिलाफ सोच रखती हैं, या कुछ ऐसी लोग भी पार्टीज भी जो आरएसएस की इस सोच से, जो भले ही आरएसएस के अंडर में काम करती हों या उनके हिसाब से काम करती हों, इस सोच के खिलाफ हैं कि लोगों को मारा जाना चाहिए धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर प्लान करके, जो इससे इख्तिलाफ रखती हैं, तो वो सभी पार्टियां इस तरह की ट्रेनिंग दे लोगों को कि किस तरीके से राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हथियारों के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। और हथियारों के लाइसेंस एक कागज़ का टुकड़ा है जो वो हासिल करें और अपनी जान की रक्षा के लिए कानूनी तरीके सीखें। तो इसमें मैं नहीं समझता कौन सी बुराई है। और जो ट्विस्ट आरएसएस वाले देना चाहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि संविधान में जो प्रोविजन मौजूद हैं उसको इन्वोक करके, जो कानून में प्रोविजन मौजूद हैं, तो उनको उससे क्यों समस्या हो रही है। और मैं इस बात को समझता हूँ कि आरएसएस की सबसे बड़ी समस्या जो है, आरएसएस सबसे ज़्यादा जो डरती है वो डरती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। तो हम उनके रास्ते पे जब जब चलेंगे, आरएसएस वाले डरेंगे, वो पीछे हटेंगे, क्योंकि वो संविधान को तोड़ना चाहते हैं। हम बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मेंटेन रखना चाहते हैं, संविधान को मेंटेन रखना चाहते हैं, कानून को मानना चाहते हैं, वो कानून को तोड़ना चाहते हैं। आप कानून की बात और संविधान की बात करें, आपको लगता नहीं इससे देश डिवाइड होगा कहीं ना कहीं, लकीर खींच रही है? देखिए, लकीर तो वो लोग खींच रहे हैं बार बार, शेड्यूल कास्ट लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। सोनभद्र का एग्जाम्पल देखिए आप, किस प्रकार से जो पहली न्यूज़ आई वो ये आई कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी। मतलब इस तरीके से जो लोग एक तरफा मारे जा रहे हैं उनको ही थोड़ा बहुत, उनके खिलाफ भी ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि जैसे गलती शायद उन्होंने ही की थी। तो उसके बाद देखिए क्या निकल के आती है चीज़ सामने। लेकिन जो ये कॉन्स्पिरेसी के तहत है, और उसके बाद एक के बाद मॉब लिंचिंग हुई है, बड़े बड़े नेतागण टीवी पे बैठ के मॉब लिंचिंग करने वालों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफेंड करते हैं। उनको फिर हर तरह की पुलिस से मदद मिलती है, पुलिस उनके खिलाफ केस कमज़ोर बनाती है, और जो विक्टिम जो बेचारा मर भी गया होता है उसके खिलाफ झूठा मुकदमा ही बना देती है केस को कमज़ोर करने के लिए मॉब लिंचर्स के। और उसके बाद उन्हें नेता बनाया जाता है। कितने हमारे एक मंत्री हैं जो ग्रैहम स्टेन्स के में, जिस केस में उनकी लिंचिंग के केस में आरोपी थे, वो आज हमारे देश में मंत्री हैं। तो इस प्रकार के जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट किया जा रहा है इस प्रकार की सोच को, उसको रोकने के लिए बाबा साहब का तरीका जो है, कानूनी तरीका है, वो यही है। हम लोग कानून का ही पालन करें। लेकिन कानून और संविधान की बात कह रहे हैं, उसके बाद उसी कानून को पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, एक सिविल वॉर नहीं हो जाएगा देश के अंदर इस तरीके से वेपन बांट दिए जाए? हमारे देश में बहुत बड़ी भ्रांति है कि कोई किसी सीट पर बैठ गया तो वो कानून हो जाता है। कानून हमारा संविधान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर बैठा है, कानूनी या प्रशासनिक, वो संविधान का पालन करने के लिए बैठा है। जैसे ही वो संविधान के राह से हटता है वो एक आम गुनहगार बन जाता है। तो हम लोग कह रहे हैं संविधान का पालन करें। और एक हमारे देश में जो सबसे बड़ी बुराई है, जो बाकी सब बुराइयों की जड़ है, वो है भ्रष्टाचार। और दूसरा है कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं हमारे देश में, उन सब लोगों को पॉलिसी बना के आज साइडलाइन किया जा रहा है। पहले भी किया जाता था, लेकिन आज तो पॉलिसी बना के लेटरल एंट्री द्वारा इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसी बना के साइडलाइन किया जा रहा है ईमानदार अफसरों को। अगर मैं बोलता हूँ हमारी ये अपील विड्रॉ करने की एकदम ज़रूरत बन जाएगी और मैं खुद विड्रॉ कर लूँगा, अगर ईमानदार अफसर सही जगह पोस्ट किए जाएँ, जिस जगह ईमानदार अफसर एक SHO भी बैठा है, वहाँ मॉब लिंचिंग टाइप घटना हो ही नहीं सकती। ये तो उन लोगों का फेलियर हो गया। इसलिए क्या सर, पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई क्या, पिछले शासन में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई? और आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुसलमान के साथ लिंचिंग हो रही है और क्या दूसरे समुदाय के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा?
देखिए ये एक दूसरी साजिश का हिस्सा है कि आप मेरे मुंह में मुसलमान शब्द ठूस रहे हैं बार बार, हर व्यक्ति ठूसने की चेष्टा कर रहा है, तो ऐसा माहौल आपके दिमाग में भी बना दिया आरएसएस की सोच ने। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है सेल्फ डिफेंस के, वो हैं राइट टू सेल्फ डिफेंस के, वो हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद माइनॉरिटीज़ आती हैं, और माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स भी आते हैं, मुस्लिम्स का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिख्स भी आते हैं और क्रिश्चियंस भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं, ये लोगों की जान को भी उतना ही खतरा है जितना बाकी लोगों को। लेकिन कानून संविधान तो ये कहता है हमें कानून का पालन करना चाहिए, अब गोली के बदले गोली, आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हथियारों के लाइसेंस मिलने चाहिए, सब हथियार उठा लेंगे तो क्या देश की कानून व्यवस्था का क्या होगा, एक वॉर छिड़ जाएगा देश के अंदर। देखिए अभी हम कानून का पालन करने के लिए बोल रहे हैं लोगों को, ये लोग कानून का पालन करने के लिए फिर हथियारों की क्या जरूरत है? कानून में प्रावधान है ना हथियारों के, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कानून में प्रावधान है अपनी स्वयं की सुरक्षा करने के लिए हथियार रखने का, और वो लाइसेंस मैं या आप नहीं दे सकते, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है, उसको सेटिस्फाई करना होता है गवर्नमेंट के जो अफसर हैं उनको, वो फिर लाइसेंस देते हैं आपकी उसको जान के। तो मगर बात यह है कि हम जो आज आप कह रहे हैं कि अव्यवस्था फैल जाएगी, आज क्या हो रहा है, जो इस देश के एससी एसटी और माइनॉरिटीज़ हैं, देश के 42-43% लोग जो हैं टोटल पॉपुलेशन के, उन लोगों को एक तरफा मारा जा रहा है। सामने वाले लोग जो उस सोच के हैं, और वो भी सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत कम लोग जो आरएसएस की सोच पे हैं, वो लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, लोगों को ढूंढ ढूंढ के अकेला मार रहे हैं। तो अब इस स्थिति में पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही, सरकार उनकी मदद नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही, उनकी उनके खिलाफ काम कर रही है, प्रधानमंत्री खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद सच्ची कर रहे हैं झूठी कर रहे हैं ये वही बेहतर जानते हैं, उनकी कोई निवेदन नहीं सुन रहा है, यूएन की रिपोर्ट कोई नहीं सुन रहा है, अमेरिका की रिपोर्ट कोई नहीं सुन रहा है। तो इस हालात में क्या आप ये रास्ता बताते हैं कि ये जो 42-43% देश की पॉपुलेशन है ये चुपचाप जाके हाथ बांध के खड़ी हो, सर झुकाए, अपनी गर्दन कटाए और उसके बच्चे फिर उसके बिलकते रहें, ये आपका सलूशन है? आप मुझे कोई भी और सलूशन दीजिए। अगर पुलिस और कानून व्यवस्था इसका कहेगी तो हमारी कॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम विड्रॉ कर लेंगे एक सेकंड में, लेकिन आप कानून का पालन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कीजिए, तब हमारी कॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम विड्रॉ कर लेंगे। महबूब पराजा साहब, जिनका कहना है कि कानून और संविधान के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है कि खुद ही कानून को हाथ में लेने की क्यों बात कह रहे हैं, क्यों हथियारों को हाथ में लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इस सवाल का जवाब शायद खुद उनके पास नहीं है। कैमरामैन राजेश के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।